आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी लक्ष्मी एन मेनन के बारे में। मेनन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 27 मार्च 1899 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। एक समर्थ शिक्षिका, वकील, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी गांधीवादी विचारों से प्रभावित थी और हमेशा खादी ही पहनती थी। लक्ष्मी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। 1927 में वे विद्यार्थी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ की 10वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए मॉस्को गई। मॉस्को में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली, जिन्होंने उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी। महिलाओं से संबंधित मुद्दों में लक्ष्मी की गहरी रुचि थी। अखिल भारतीय महिला सभा AIWC के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1948 और 1950 में लक्ष्मी को महिलाओं की स्थिति पर गठित संयुक्त राष्ट्र समिति के लिए मनोनीत किया गया और वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख रहीं। वे विदेश विभाग में स्वतंत्र प्रभार सहित राज्य मंत्री बनाई गयी। त्रिवेंद्रम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक दूत के रूप में अनेक देशों की यात्राएं की। केरल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में भी उनका योगदान था। 1967 में राजनीतिक गतिविधियों से अवकाश लेने के बाद लक्ष्मी मेनन ने सामाजिक कार्य और लेखन की ओर रुख किया। लक्ष्मी मेनन को उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए पद्मश्री सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 30 नवंबर 1990 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान सुपुत्री को हमारा भावभीना नमन।